कोटा जिले के दरा स्टेशन के मुकुंदरा जंगल इलाके में सोमवार सुबह वज्र से भरा ट्रेलर 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। चालक के दोनों पैर केबिन में ही फंस गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों व जेसीबी मशीनों की सहायता से बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद चालक को सही सलामत बाहर निकाला गया। दूसरी ओर झालावाड़ से आ रहा एक दूसरा ट्रक भी अनियंत्रित होकर खाई में लटक गया। इसे क्रेन की मदद से एक तरफ किया गया। पुलिस ने बताया कि बजरी से भरा ट्रेलर कोटा की ओर से आ रहा था। अचानक सुबह 6 बजे चालक की नींद लग गई और ट्रेलर खाई में जा गिरा। पूरे 5 घंटे तक चालक रामदेव नाथ केबिन में जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। इस दौरान ग्रामीण व पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद रहे। 2 जेसीबी मशीनें आई। चालक को बाहर निकालने के लिए 3 घंटे तक प्रयास किया गया, पर सफलता नहीं मिली। 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण व पुलिसकर्मियों ने हाथों से ट्रेलर खाली किया। साथ ही चालक का साथी इस दौरान उसको दिलासा देते हुए उसे हवा कर रहा था। जब तक बड़ी क्रेन नहीं आई, चालक का एक साथी अंदर बैठा रहा था। काफी प्रयास के बाद चालक को सही सलामत बाहर निकाला गया है। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज़ और प्रेस करें बेल आइकन को।